हेलो एवरीवन, आज हम आपको सिखाएंगे कि जो छीमे का प्लांट है कटिंग से कैसे ग्रो करें। हम आपको पहले आप उसके थोड़े टिप्स दे देते हैं। आप अपने पौधों को कैसे करें आज हम सिखाएंगे। जैसे आप दिख रहे हो सिर्फ कटिंग जो हमने प्लांट से तोड़ी है, आप देख सकते हो कटिंग। आप इसकी रूट्स भी देख सकते हैं, इसकी रूट्स रुक गई है। आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, रूट्स रुक गई है। तो आपसे करना है क्या कटिंग करनी होगा, हाँ आपको बताते हैं। आप अपना पौधा साफ 60 डिग्री एंगल में काटिए और उसकी सिर्फ एक दो पत्ती ही बचाए, बाकी पत्ती से काट दीजिए और उसका टॉप काट दीजिए। फिर आप उसके एक दो हफ्ते के लिए आप उसे पानी डाल दें एक बोतल के अंदर। जो आप देख सकते हैं बोतल का नाम डाल दें, एक दो हफ्ते में आप उसके लिए पानी चेंज करते रहे। सीरियल और देखो निकल गई है ये रिपोर्ट। अब सब उगाने के लिए तैयार है। जैसे हमने हमने पहले ही बनाया था एक हमने एक दो एक महीना हो गया होगा उसको हमने ही बनाया। जैसे आप देख सकते हैं इसका नाम हमने सब टॉप अप काट दिए थे, बहुत सारे काटे थे। सीधे कहा इसकी नई डाली कर रही है, आप नीचे तक इसकी डाली कर रही है। ये एक दो हफ्ते के अंदर इतनी रूट बनाने तो अच्छे से ग्रो कर लग जाता है। छीमी प्लांट की यही खासियत है, आप प्लांट को ग्रो करते से आप देख सकते हैं नई रूट निकल रही है। तो पहले इसकी रूट थी इसका एक हफ्ते में इतनी अच्छी रूट निकल गई इसकी एक हफ्ते में, और एक महीना हो गया पौधा अच्छे से बढ़ गया है। ये देख सकते हैं आपके हमने ये बोला था सी रूट निकल गई है। अब हम इसका डब्बे में बोने वाले हैं। हमारे बिग बदा इसमें गड्ढा कर रहे हैं क्योंकि कहीं ड्रेनेज और इससे अच्छा रहता है प्लांट्स को, जिससे बारिश से पानी निकल जाता है, जितना जलवा था उतना चाहिए रहता है। ये सॉइल देखा आप देख सकते हैं हमारे हमने सिर्फ 3 पत्ती रख के रखी है। देख सकते हैं रूट निकला छीमे का। अब हम आपको दूसरे पौधे बताए जब तक इसके ना गड्ढा हो रहा है, होल हो रहा है। ये हमने कटिंग से बढ़ा दी है, बिकस का प्लांट है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी लिफ्ट अच्छी है, नीचे से ग्रो कर रखी है। हम दो हफ्ते जो प्रिंट करा था वही करा था, आपकी इच्छा से आप जिस प्रिंट में ला सकते हैं। अच्छा बढ़ गया पौधा। अब जब आप देख सकते हैं इसका एक भी टॉप नहीं है, 3 पत्ती है बस ऑक्सीजन के लिए। आप देख सकते हैं हमने गड्ढा कर दिया है, वो बड़ा गड्ढा हो गया जब जरा साइड करना था। आज इसमें एक स्टोन रख सकते हैं जिससे उसकी मिट्टी ना निकले। आप देख सकते हैं ये स्टोन आप रख दीजिए स्पॉट के अंदर, इससे हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा स्टोन है तो हम ज्यादा स्टोन डाल देंगे जिससे मिट्टी नहीं निकले और पानी निकल जाए। देखते हैं मिट्टी आ रही है, अब इसके अंदर जाएगा प्लांट। अब आप देख सकते हैं हम प्लांट डाल रहे हैं हमारे बिग बदाम। आप देख सकते हैं रूट निकल गई है। आपको सबसे पहले एक होल करना है, फिर होल के बाद आपको उस पौधे को डालना है। आप बोलने के बाद आपको थोड़ी और सारी डाल देनी है। आपकी इच्छा था उसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं कि अभी आप रेनी सीजन है किसी का हम नहीं डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, कि रेनी सीजन में सबसे अच्छे पौधे ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद आप सिर्फ पानी डाल दीजिए, ऐसे रेनी वाटर डाल सकते हैं कि प्लांट के लिए अच्छा रहता है वो। आप थोड़ी देर में आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके देखो सब पानी निकल लग गया और इससे पानी निकल कर रहेगा तो समतल हो जाएगी मिट्टी। इसके एक दो हफ्ते लगेंगे फिर आप इसके टॉप आ जाएंगे।
जैसे सब पानी से लीकेज हो गया, जब ने बोला था सब प्लांट का वहाँ पूरा लीकेज हो गया था। अब हमने बता दिया कि आप ऐसे करते हैं इसमें ग्रो, ये सिंपल वे, बहुत आसान रास्ता है आगे पौधे बोने का। थैंक यू, गुड बाय।